मैं ऐसा गया हूँ, एक कंपनी है जहाँ पे हम लोग ये शिपिंग पैलेट्स वगैरह ड्रॉप करते हैं, और काम की पोजीशन इस वक्त ये है कि यहाँ पे मैं कुछ पैलेट्स का भी काम करता हूँ, शिपिंग पैलेट्स वगैरह जो बुड़े होते हैं मैं उसको सेल करता हूँ पार्ट टाइम। और इस वक्त ये सिचुएशन है कि मैं जो पैलेट सेल करता था वो मैं अब सेल नहीं कर पा रहा, क्योंकि शिपिंग वगैरह का बड़ा मसला चल रहा है कनाडा के अंदर। कनाडा में यह सब जो चाइना से माल आ रहा नहीं आ रहा, ये सब मामला बड़े मतलब यहाँ पे चल रहे हैं, और प्राइस इतनी डाउन हो गई है कि जो पैलेट मैं $10 का सेल करता था वो जो है बड़ी मुश्किल हो रही है। बताता हूँ आपको, आगे बढ़ी बताता हूँ। तो ये हम जो है ना, ये फुल ट्रक लेकर आए हुए हैं यहाँ पे। इस ट्रक में कम से कम 200 के करीब ये शिपिंग पैलेट्स हैं, वुड पैलेट्स हैं। सो जैसे कि मैंने बताया कि मैं इसको पहले खुद सेल करता था, लेकिन मैं अभी यहाँ पर इस कंपनी के अंदर आया हूँ, तो ये बेसिकली ये लोग खुद पैलेट सेल करते हैं। और मैं ये बता रहा था कि ये मैं जो प्राइवेट सेलिंग में करता था, तो ये $8 to $10 मतलब ईच हमने सेल किए हैं ये, और बहुत ज़्यादा दूर की बात भी नहीं, बहुत रिसेंट की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अभी ये सिचुएशन आ गई कि तकरीबन महीना डेढ़ महीने से जो है ना वो मामला बड़े अजीब हो रहे हैं, और पैलेट्स वगैरह का शिपिंग का जो है कमर्शियल शिपिंग जो है ना वो बहुत अफेक्टेड हुई हुई है, तो उसकी वजह से प्राइसेस बहुत डाउन हो चुकी हैं। और यानी आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि मैं ये सेल करता हूँ जैसे $8 या $10 पर पैलेट, और अब बिकॉज मेरे पास कोई इसका बायर नहीं है तो मैं यहाँ इसको शिपिंग कंपनी में लेकर आया हूँ, तो आप अंदाज़ा लगा ये लोग कितना दे रहे हैं। ये लोग दे रहे हैं जनाब $2 to $2.50 यस, $2 से $2.50 ईच। तो आप लगा लें कि हिसाब से कितनी प्राइस का, अगर आपने ये किसी से बाय किए हैं और फिर आप उसको सेल करने के लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर मसला क्या है कि यहाँ पर स्टोरेज का बहुत इशू है। अब आप ये इतना सारा जो है ना, ये आप एक लिमिट आप इसको स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद जो है ना वो आपको स्टोरेज का बड़ा मसला आता है। तो फिर यही होता है कि भाई आप थोड़ा सा अपना आप उसको नुकसान बर्दाश्त करें और आगे की तरफ देखें, इंशाल्लाह ताला बेहतर करेगा। तो ये जो कमर्शियल के जो मामला है ना, इस वक्त आजकल ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं बाकी तो दुनिया की मैं बात नहीं करता, लेकिन बहरहाल जो वेस्टर्न वर्ल्ड वगैरह है इसमें शिपिंग वगैरह के मामला बहुत ही मामला ख़राब हो रहे हैं। और क्योंकि मैं बड़े आराम से मतलब ये सब सेल करता हूँ और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती मुझे, ये जो ब्राउन वाले पैलेट्स वगैरह जो नज़र आ रहे हैं ना आपको शिपिंग पैलेट्स से, लेकिन ये कि जो अब इस वक्त हालात हैं उसके अंदर वो वाकई में समझ से बाहर है। क्योंकि काफ़ी मैंने अपने जिनको मैंने सेल किया, मैंने उनको भी मैंने बताया कि मेरे पास ये लॉट आई हुई है, ऑलमोस्ट 200 पैलेट्स हैं, लेकिन जो है कोई भी इस वक्त लेने को तैयार नहीं है। तो बहालत है, मजबूरी है, आई हैव टू कम टू दिस शिपिंग कंपनी, पैलेट सेलिंग कंपनी, पैलेट मेकिंग कंपनी, और मुझे इनको ये सेल करना है लॉस के ऊपर, या आप समझ लें नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर, इस तरह भी हो सकता है। क्योंकि मैंने भी ये बाय किए ना, तो मतलब अगर मैं बाय करके उसी प्राइस पे दे दूँ तो ट्रांसपोर्टेशन है मेरा, स्टोरेज है, लेकर आया हूँ, टाइम है, ये सब चीज़ें भी काउंट करती हैं। सो एनी वे पार्ट ऑफ लाइफ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हूँ इस चीज़ से, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ उसको आपको हालात के बिज़नेस वगैरह के जो हालात हैं ना वो ये चल रहे हैं इस वक्त। उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर जैसे समर स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, तो मामला कुछ बेहतर रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और वीडियो लाइक सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच, बाय।